अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे सीख कबाब बीफ के, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के आज हम बीफ सीख कबाब बनाएंगे। तो कुछ टिप्स हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो आप इसे एज इज़ फॉलो करें तो आपके कबाब बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनेंगे, प्लस ये सीख से बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपके जूसी कबाब तैयार होंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कबाब मसाला तैयार करेंगे। तो हम एक फ्राइंग पैन में 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया शामिल करेंगे, 1 खाने के चम्मच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, दो तीन छोटे टुकड़े हम दालचीनी के ऐड करेंगे और साथ में कबाब चीनी, ये आप देख सकती हैं। तो कबाब चीनी के हम तकरीबन 6-7 पीसेज ऐड करेंगे। ये हम इसमें डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे और ये लॉन्ग पेपर है जिसे फिलफिल दराज भी कहते हैं, ये 2 से 3 अदद हम इसमें डालेंगे। बड़ी वाली इलायची है, ये 2 अदद हम इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे जो गोल वाली सुर्ख मिर्चें हैं वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ये वाली ड्राई मिर्चें इसमें यूज़ करी हूँ, रेड चिली 2 से 3 अदद। इस तरह अगर आप हैं बड़ी वाली तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, और अगर गोल वाली हैं तो तकरीबन 6 से 7 अदद आप वो यूज़ कर लें। मीडियम हीट पर हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि जो मिक्सर है उसमें इसे हम पीस लेंगे। अब हम फ्राइंग पैन में 2 खाने के चम्मच ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा डालकर इसे भूनेंगे, ये भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। याद रखें कि ये बेसन नहीं है, ये ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा है। बेसन मैं सीख कबाब में शामिल नहीं करती, ये एक प्रोफेशनल तरीका है जो कि मैंने सीखा था। तो इसमें हम मैदा शामिल करेंगे और मैदे को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। मैदे को हमने इतना भूनना है कि मैदे का कलर चेंज होना शुरू हो जाए और इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए। मैदे का कलर ब्राउन होना शुरू हो गया है और इसमें से खुशबू आनी भी शुरू हो गई है, तो ये मैदा हमारा तैयार है। अब हम इसे साइड पर रखेंगे, ये आप देख सकती हैं। ये मैंने मैदा लिया है, ये मैंने कीमा लिया है। तो कीमा आप हमेशा फ्रेश ही लें, यानी कि बिल्कुल ताज़ा बना हुआ कीमा आप लें। पहले तो कोशिश करें कि आपके पास अगर कीमे बनाने वाली मशीन है, यानी कि चॉपर है या फिर कीमा वाली मशीन है, तो आप घर पर ही कीमा बनाएं। तकरीबन 1 किलो यहाँ पे तकरीबन टोटल कीमा बनता है, यानी कि 800 ग्राम मैंने रेड जो बोटियाँ होती है वो ली थी और 200 ग्राम मैंने चर्बी ली थी। चर्बी मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ मेरे चपली कबाब वाली रेसिपी में कि नरम वाली चर्बी आप लेंगी, 200 ग्राम चर्बी और 800 ग्राम गोश्त, बिल्कुल रेड मीट जो होता है, तो दोनों को मिलाकर आपने कीमा बनाना है। तो इसी तरह कीमा होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेशली ग्राउंड किया हुआ, या फिर आप बाज़ार में बनवा लें उसी टाइम आप बनवा लें, रेडीमेड आप बिल्कुल भी ना लें। तो फ्रेश कीमा होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें। ये पहला स्टेप है। अब हम इसमें जो हमारा स्पाइसेस थे, हमने सारे जो ग्राउंड किए थे, यानी कि जो हमने फ्राई किए थे, ड्राई रोस्ट किए थे, तो वो हमने ग्राइंड करके इसमें ऐड किए हैं। और अब हम 2 खाने के चम्मच इसमें मैदा शामिल करेंगे जो कि हमने रोस्ट किया था। ये ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च है, ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। अगर ज़्यादा मिर्च आपको नहीं पसंद तो स्टार्ट में भी हमने मिर्च ऐड की थी, आप इसको स्किप कर सकती हैं। नमक आप हसबे जायका ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून यानी कि 1 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ, ये टेस्ट के हिसाब पर डिपेंड है। हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा चाय का चम्मच। और इसके अलावा दूसरा अहम स्टेप जो है वो है प्याज का। यहाँ पे मैं 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। याद रखिए कि इसे आपने चॉप नहीं करना, इसे आपने ग्रेट करना है। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें, तकरीबन 7-8 अदद लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये सब कुछ मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से।
तो मैं ये सारा मिक्सचर जो है ये मैं प्याज के मिक्सचर में शामिल कर रही हूँ, और ये सब मिलाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से नचोड़ेंगे, यानी कि स्क्वीज़ करेंगे। किसी मलमल के कपड़े में भी आप डाल सकती हैं, किसी छलनी में भी आप डाल सकती हैं। मकसद सिर्फ ये है कि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ये जो है ग्रेटर है, तो ये छोटे वाले से मैंने अदरक को लहसुन किया था और बड़े वाले से मैंने प्याज को ग्रेट किया था। तो अब हम कीमे में जो प्याज है हमारा वो हम डालेंगे। ये आप देख सकती हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद हमने इसे रेफ्रिजरेट करना है, यानी कि 2 से 3 घंटों के लिए हमने इसे फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख के छोड़ देना है, ताकि ये ठंडा हो जाए और मेरीनेशन भी इसकी अच्छी तरह से हो जाए। याद रखें कि कीमा भी आपका ठंडा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए, क्योंकि इसमें फैट होता है। तो अगर आप रूम टेम्परेचर पे लेंगी और इस तरह आप मसल के उसे बनाएंगी तो वो फैट मेल्ट हो जाएगा और कीमा आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, पानी छोड़ देगा। और जब हम इस तरह मेरीनेशन करते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि आप इसे फ्रिज में रखें, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रखना इसका बहुत ही ज़रूरी है। अब हम ठंडा पानी लेंगे एक बॉल में, और इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, इससे बाहर का जो इसका कलर है बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल प्रोफेशनल जो बाज़ार में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आता है। तो अब हम एक स्क्यूअर लेंगे और इसको अच्छी तरह से इस तरह करके साफ़ करेंगे। स्क्यूअर हमारा साफ़ होना चाहिए, कोई पानी या फिर ऑयल वगैरह इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। कीमा लेंगे, एक इसका बॉल बनाएंगे और इस तरह करके, या तो आप ऊपर से इसको इसमें ऐड कर लें और इस तरह करके प्रेस करते जाएं। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह प्रेस करते जाना है, और जो ठंडा पानी हमने रखा हुआ था कलर वाला, हम इसको शेप देते जाएंगे। उसमें आप हाथ दबोते जाएं और इसको शेप देते जाएं। तो इस तरह मैंने इसके ऊपर लगा लिया है, स्क्यूअर के ऊपर, और अब हाथों के ऊपर वो पानी मैंने लगाया हुआ है और इसी से मैं इसको शेप देने जा रही हूँ। याद रखें कि इसके ऊपर शेप आपने नाइसली देना है, क्योंकि अगर आप इसे लूजली कोट करेंगी तो ये फिर बाद में इससे गिरने का खदशा रहता है, ये गिर जाता है। ये आप देख सकते हैं नीचे से इस तरह करके हमने इसे इस तरह सिक्योर कर लेना है। ये आप देख सकती हैं इस तरह, ऊपर से भी हम इसी तरह करेंगे, ये यहाँ से इस तरह प्रेस करेंगे और ऊपर से और नीचे से दोनों से हम इस तरह सिक्योर कर लेंगे, और इसी तरह हम सारे स्क्योर्स बना लेंगे। सारे सीखों पर हम कबाब लगा लेंगे, और अब हम देखते हुए कोयलों पर सीख कबाब बनाएंगे। कोयला अच्छी तरह से, ये आप देख सकती हैं, पका हुआ है, कोई इसमें शोला वगैरह नहीं है, ये कोयला दहका हुआ है। तो इसी तरह हमने इसको पकाना है। पहले के 1-2 मिनट आपने बिल्कुल भी इसे टर्न नहीं करना, और 2 मिनट बाद आपने इसे टर्न करके देखना है। अगर ये एक साइड से हो चुका हो तो आपने इसकी साइड टर्न कर लेनी है, नहीं तो आपने मज़ीद इसे 2 मिनट के लिए कुक करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं सीख कबाब के पकने में, यानी कि बहुत ही जल्दी ये पक जाते हैं। ये आप देख सकती हैं एक साइड से ये हो चुका है, तब हम इसकी साइड टर्न करेंगे। और दोनों साइड से अच्छी तरह से कलर आ लेने के बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। याद रखें कि जितना ज़्यादा घी या ऑयल आप इसके ऊपर लगाएंगे ब्रश की मदद से, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही जूसी बनेंगे, और बिल्कुल वैसे ही जिस तरह के में रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। याद रखें कि आपने इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इसे ओवर कुक करेंगी तो इसका कलर डार्क हो जाएगा, ऊपर से सख्त हो जाएंगे और अंदर से भी इसका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो ये सीख कबाब हमारे तैयार हैं। व्यूअर्स, ये सीख कबाब बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। ये मेरी अपनी ट्राई की हुई रेसिपी है, और इसी तरीके से आप बनाएं। जो टिप्स मैंने आपको दी हैं तो वही टिप्स आप फॉलो करें, वही मसाले आप यूज़ करें। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपके सीख कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकती हैं कि कितने आराम से ये सीख से निकल रहे हैं। तो ऊपर से और नीचे से हम थोड़ा सा इसको प्रेस, और हम इसे निकाल कर प्लेट में रखेंगे।
تو یہ ہمارے سیخ کباب تیار ہیں، بالکل ویسے ہی ہیں جیسا کہ ہم ریسٹورنٹس میں کھاتے ہیں۔ تو آپ اسی طریقے سے بنائیے، میرے طریقے سے بنائیے، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ آپ کے کباب کیسے بنے۔ بہت ہی ڈیلیشیس کباب بنتے ہیں۔ کوئی بھی کوئسچن ہو تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں کر سکتی ہیں، اور میری ریسیپیز کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔